एशियन गेम्स 2023 में सोमवार का दिन भारत के लिए शानदार रहा। सोमवार को भारत की झोली में 7 मेडल आए, जिनमें से 5 मेडल एथलीटों ने जीते। वहीं आज का खेल समाप्त होने तक तेजस्विन शंकर 4,260 अंक के साथ डीकैथलॉन के टॉप पर हैं। भारतीय टीम को 400 मीटर मिक्स्ड रिले में सिल्वर मेडल मिला। आज दिन की शुरुआत में स्केटर्स ने 2 ब्रॉन्ज जीते। इसके बाद दोपहर में टेबल टेनिस के वुमेन्स डबल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता, जबकि शाम में एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हुए। भारत ने स्केटिंग में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया। वुमेन टीम स्केटिंग के 3000 मीटर रिले में 4:34.861 समय के साथ मेडल जीता। वहीं इसके बाद मेंस टीम ने रिले इवेंट में 4:10.128 समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। हालांकि टेबल टेनिस में सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी को सेमीफाइनल में कोरिया की जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस तरह सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी को ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। कोरिया के खिलाड़ी ने भारतीय जोड़े को 1-7, 8-11, 11-7, 8-11, 9-11, 11-5, 2-11 से हराया। वुमेन 3000 मीटर स्टिपल चेंज इवेंट में पारुल चौधरी ने सिल्वर को भारत की झोली में डाला, जबकि इसी इवेंट में प्रीति ने ब्रॉन्ज को अपने नाम किया। वुमेन लॉन्ग जंप में 6.63 मीटर की जंप के साथ सोजा ने सिल्वर पर कब्जा जमाया। इसके अलावा भारत के मोहम्मद अनस, जिस्ना मैथ्यू, ऐश्वर्या मिश्रा, सोनिया वैश्य, मोहम्मद अजमल ने मिक्स्ड रील में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। वहीं हॉकी में भारतीय मेंस टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। भारत ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 12-0 से करारी शिकस्त दी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह ने 3-3 गोल दागे। अभिषेक ने 2 गोल किए। इसके अलावा अमित, रोहिदास, ललित उपाध्याय, नीलकांता शर्मा और गुरजन सिंह ने 1-1 गोल किया। टीम न्यूज नेशन स्पोर्ट्स।